सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, बच्चे तो हर किसी के घर में होते हैं और बच्चे हैं तो उनकी हरकतें भी बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे कि गोदरेज में से एक कपड़ा निकालना है तो सारे के सारे वो खींच के निकाल देते हैं, और कोई भी सामान निकाला है तो मतलब गोदरेज की हालत ऐसी बदतर हो जाती है ना कि देखते ही दिमाग खराब हो जाता है कि अब इसको कौन सही करेगा, क्योंकि गोदरेज को सही कर पाना बाप रे बाप बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, एक ऐसा पॉट लेकर आई हूँ जिससे देख कर, जिसे यूज़ करके, जिसे ट्राई करके आपके घर की हालत बहुत ज़्यादा सुधर जाने वाली है, एकदम मतलब जैसे कि होना चाहिए एक्चुअली वैसा ही हो जाएगा। तो आज मैं आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी न जाने किस साइटों पर अवेलेबल है, बट यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट की रिव्यू देने वाली हूँ। सो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और आपके लुक को बिल्कुल चेंज कर देने वाला, आपके घर के लुक को बिल्कुल चेंज कर देने वाला है, और साथ ही साथ में आपके टाइम को भी पूरा बचाने वाला है। बहुत ही आसानी हो जाएगी इस प्रोडक्ट को मंगाने के बाद, आपके बहुत सारा टाइमिंग बच जाने वाला है जो कि आप अपनी अलमारी, अपनी गोदरेज के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट अब नहीं होने वाला है। सो गाइज, मैं आपको दिखाऊँ कि गोदरेज की हालत पहले ऐसी थी मेरे, और अब मैं जो दिखा रही हूँ कुछ पिक्स में आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ जो अभी मेरी हालत, मेरे गोदरेज की हालत अब ऐसी है, तो आप खुद ही कंपेयर कर लो कि कौन सी कैसी है। ज़्यादातर लोगों के गोदरेज की हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि मम्मा लोग कितना भी फोल्ड करके रख लें, कितने भी अच्छे से अपने प्रोडक्ट को रख लें, कितने अच्छे से भी कपड़े को फोल्ड करके रख लें, लेकिन बच्चों का तो काम ही एक एक खींचे कि 10 नीचे गिरा और अपनी अपनी जरूरत की चीज ले ली, बाकी कैसे छोड़ दिए, मम्मा सही कर देना। तो कहीं चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जस्ट एक पतली सी गोनी के अंदर, छोटी सी गोनी के अंदर ये आया हुआ है, और चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। पैकेजिंग आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरीके से जो है की गई है, और इतनी बुरी तरीके से इसको फाड़ा जा रहा है। यहाँ पे जस्टी भी हैं जो कि हाथ लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं इसको खोलने में। गाइस, ये पैकेजिंग को आप चाकू या ब्लेड से न खोलें बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर का जो कवर है वो निकल सकता है, क्योंकि पैकेजिंग बिल्कुल एक ही है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से खोलना है, चाकू ब्लेड नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने टोटल सिक्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कपड़े का है, आप देख पा रहे हो कपड़ा है, पॉलिथीन बिल्कुल नहीं है। तो गाइस, ये टोटल मैगजीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं कितने सारे हैं, टोटल ये 6 पीस हैं, और इसमें भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये देख रहे हैं आप, इसकी टोटल ऊंचाई कुछ इतनी है, इस टाइप से है, और इसकी जो लंबाई है कुछ इतनी है, तो आई थिंक सो कि ये है टोटल, ये 18 इंच है और ये 12 इंच है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो चैन दिया हुआ है, ये चैन आप देख पा रहे हो, ये वाला चैन जो दिया है, ये चैन दोनों साइड दिया हुआ है, दो चैन दिए हुए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस टाइप से रखा हुआ है, और यहाँ पे पॉलिथीन भी लगा हुआ सामने ट्रांसपेरेंट के लिए, ताकि जब आप कपड़ा रख लेते हैं तो ये देख रहे हैं आपको इस टाइप से ये दिख रहा है कपड़े, तो इस तरीके से कपड़ा दिख जाएगा यहाँ पे, और चैन से आप बहुत ही आसानी से खोल के बहुत ही इजिली निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी आप देख पा रहे हैं, इसकी चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारी साड़ियाँ भी कवर हो जाएंगी। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो मैं इसे अच्छे से आपको दिखा देती हूँ, कपड़े रख के और पूरा नीचे रख के।
दिवाली के टाइम पे सब घूमने गए थे, तो इसलिए गोदरेज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रोज ही हम घूमने जा रहे थे और रोज ही हम नए ड्रेस पहनते हैं, तो घर में 3-4 लोग हैं तो सभी के सभी गोदरेज में से कपड़ा खींच खींच के ऐसी हालत कर दी है कि मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले आपकी गोदरेज की हालत दिखा दूँ, फिर आगे जो है पैकेज को कायदे से रखेंगे, जो कि मैंने अपने गोदरेज को अच्छे से रखने के लिए पैकेजिंग मंगाई है। तो चलो मैं पहले गोदरेज की हालत दिखा दूँ, फिर आगे बात करेंगे। मैं खाली करके पहले तो गाइस आप देख पा रहे हो कि इसकी हालत क्या है। अभी मैं सारे कपड़ों को सबसे पहले बारी बारी से नीचे उतारूंगी और सबसे पहले पूरे गोदरेज को खाली करूंगी, उसके बाद जो मैं पैकेजिंग मंगाया है मैंने उसमें मैं सभी कपड़ों को अच्छे से रखूंगी। और सच बताया जाए तो मुझे लगता है कि 6 मंथ में एक बार पूरे गोदरेज को खाली करके साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। वैसे तो मेरी ये जल्दी होती नहीं है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है गोदरेज। और वीडियो मैंने दिवाली के पहले का बनाया हुआ था, सो दिवाली के टाइम पे साफ़ सफाई भी हो रही थी, सो उस टाइम पे मंगाया था, बट वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो लेट फास्ट ही कर देते हैं। और इसमें से अभी बहुत सारे कपड़े छाटने भी हैं, सभी को अलग भी करना है, उसके बाद ही जो है हमें इस पैकेजिंग करेंगे। तो चलिए मैं सारे के सारे को निकाल चुकी हूँ अब लगभग, और उसके बाद जो है उसके बाद जो मैं इसे अच्छे से रखूँगी। तो गाइस मैंने अपने अलमारी को पूरा खाली कर दिया है, आप देख पा रहे हैं ऊपर से पूरा नीचे से खाली हो चुका है। ठीक है चलो पहले कपड़े को मैं आपको दिखाती हूँ। ये हालत इस टाइप्स की है और पूरे मतलब कपड़े की पूरी भरमार पड़ी है, पता नहीं क्या क्या है। चलो मैं इसे अच्छे से पहले रख के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें रखना है सारे कपड़े को। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि अभी मेरी अलमारी कितनी ज़्यादा बिल्कुल ही भरी हुई थी, और अब आप देख पा रहे हैं कि ये इतने सारे में ही सारे मतलब सारे कपड़े आराम से एकदम आ गए हैं। मैंने यहाँ पर सभी के कपड़े अलग अलग बॉक्स में रख दिए हैं, जिसमें कि मैंने दो दो में देख रहे हैं आप साड़ी रखा हुआ है, और एक में जो अपना वेस्टर्न ड्रेस है रेगुलर ड्रेस है, और एक में ऐसे जितने फैमिली के जितने मेंबर हैं सभी के कपड़ों को मैंने इस तरीके से रख दिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, और कितना ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। तो गाइस कैसा लगा आपको इसका रिव्यू? आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। फ्लिपकार्ट से मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देती हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय फ्रेंड्स।